हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेकी पंडित में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड पा सकते हैं अपने घर बैठे ही बिना ब्रांच विजिट किए। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले गूगल में जाके टाइप कीजिए SBI कार्ड और क्लिक कर दीजिए। सबसे ऊपर ही देखिए आ गया है SBI कार्ड्स, SBI क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन सर्विसेज। आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ये पेज खुल गया है। आप यहाँ राइट साइड पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन है, आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। ये दूसरा स्क्रीन आ गया, इस पे नेक्स्ट कर दीजिए। नीचे आपको काफी सारे कार्ड्स के ऑप्शन मिलेंगे, जो भी आपको सुटेबल लगता है आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। नीचे लर्न मोर का ऑप्शन है, तो आज हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसको अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन जो हमें सूट करता होगा। आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जो आपको सूट करेगा आप उस पर अप्लाई क्लिक कर दीजिए। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुल गया है, एक छोटा सा फॉर्म है, हमें ये भरना है, कुछ डिटेल डालनी है। फर्स्ट है, डू यू हैव एन SBI क्रेडिट कार्ड, अगर है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। दूसरा है अपना नाम, जो भी आपका नाम है, और नाम वही डालिए जो आपके पैन कार्ड पे लिखा है। सेकंड है आपका सिटी, थर्ड है आपका ऑक्यूपेशन, फोर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एनुअल इनकम। ये ब्रैकेट्स हैं अलग अलग, जिस ब्रैकेट में आप फॉल करते हैं आप उसको भर दीजिए। पैन नंबर, आपका पैन नंबर जो भी है आप दे दीजिए। नेक्स्ट ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी दे दीजिए। नेक्स्ट मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कीजिए, आपके यहाँ पे एक OTP आ जाएगा मोबाइल पे, आप यहाँ OTP डालिए। देखिए ईमेल और मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करूंगा, ये OTP मेरे मोबाइल पे आ गया है, यहाँ टाइप कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम चले जाएंगे, यहाँ पे ये बोल रहा है अपना पैन चेक कर लीजिए। मैंने कोई डमी पैन डाला है तो ये ले नहीं रहा, अपना रियल पैन डालूंगा तभी लेगा। ये सब डालने के बाद आई हैव रेड पे टिक कर दीजिए और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, ये नेक्स्ट स्टेप पे आ गया है। नेक्स्ट स्टेप पे अब दोबारा आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर देके आई ऑथराइज्ड SBI कार्ड टू कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। बस आपको और कुछ नहीं करना है, सिंपली ये सबमिट कर देना है, तो आपको घर बैठे ही आपके जो SBI के एग्जीक्यूटिव में आपको विजिट करेंगे आपके एड्रेस पे, वो आपसे एक फॉर्मेट भरवाएंगे और साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स खुद ही कलेक्ट कर लेंगे, और कुछ ही दिनों में अपनी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होके आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों ज़रूर ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।